दोस्तों, ये जो मैंने जेट प्लांट्स की कटिंग से टोपियारी बना करके तैयार किया था, तो फ्रेंड्स आज ये जो डीप शेप में हुई है, छोटी छोटी मैंने कटिंग लगाई थी, तो ये फ्रेंड्स जाकर के आप प्लेलिस्ट में मेरी देख सकते हैं। और आइए माँ क्रिएटिव किचन गार्डन के साथ जुड़िए फ्रेंड्स, और यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए फ्रेंड्स। जेट प्लांट्स की मैं इतनी ढेरों DIY लेकर के आती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, जीरो बजट से फ्रेंड्स मैं लेकर के आती हूँ। तो ये देखिए, और कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए फ्रेंड्स चलिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि कोई सी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ये जेट प्लांट्स की कटिंग है जो मैंने लगा रखी थी, और लगाने के बाद में फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये कहीं तार है, कहीं पर जो है डंडियां हैं पतली पतली, और ये जो मैंने राउंड शेप में दिया है, ये फ्रेंड्स मैंने वायर से दिया हुआ था। अब क्या करना है कि अब थोड़ा सा घना हो गया है तो इसको शेप देना। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये थ्रेड है, ये धागा, ये देख रहे हैं, ये धागा है जो हम लोग कपड़े सिलते हैं। इस धागे की मदद से अब इस टोपियारी को शेप दूंगी। शेप देने से फ्रेंड्स आप देखिएगा पूरा कि किस तरह से मैं इसका शेप देती हूँ, और फ्रेंड्स बड़े हल्के हल्के हाथों से इसको करिएगा, नहीं तो धागा काट देता है ये प्लांट्स को। बहुत नाजुक डालियाँ होती हैं इसकी, जेट प्लांट्स की, और फ्रेंड्स ये इतना शुभ प्लांट्स होता है, जितना घना और बूशी होता है उतना ही शुभ भी होता है, और बिल्कुल जीरो बजट से आपको कहीं पर भी फ्रेंड्स एक कटिंग इसकी मिल जाए ना, तो आप लेकर के लगा दीजिए, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं। और ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस में चलने वाला है, कोई ज़्यादा इसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, ना इसमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता होती है, और ये फ्रेंड्स इंडोर प्लांट्स भी नहीं है कि आप सोचें इसको इंडोर प्लांट्स है। अगर ये इंडोर में रहेगा फ्रेंड्स, मरेगा तो नहीं, लेकिन कुछ समय बाद इसकी सारी पत्तियां जो हैं लीव्स सब बिल्कुल झड़ जाएंगी और बिल्कुल टहनी टहनी ही बचेगी, और नीचे से फिर बाद में कुछ समय बाद फिर जड़ें जो हैं इनकी जब डेवलप नहीं होंगी तो ये मरना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स इसको धूप में ही रखें, कितनी भी बड़ी, मतलब इन दिनों की धूप में भी चलने वाला है, जैसे मई जून की गर्मी है उसमें भी चलने वाला है। और ये फ्रेंड्स हमारे तो बालकनी में रखे हुए हैं, लेकिन बालकनी में हमारे खूब धूप अच्छी सी आती है। अब ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कैसे मैं इनको इस तरह से धागे की मदद से इधर से उधर ले जाते हुए ऐसे ला रही हूँ, बड़े हल्के हल्के हाथों से करना पड़ता है। देखिएगा फ्रेंड्स कि कैसे मैं एक एक टहनी को इनको ऐसे दबा रही हूँ। दबाना कि मतलब मेरा एक ही है मकसद कि टहनी थोड़ा घना हो जाए, बिल्कुल जो हट है ना फ्रेंड्स, ये जो मैंने ये टॉयज रखा है इसमें, तो जब रख देती हूँ तो फ्रेंड्स देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो मेरे पास, मैं आपको अनगिनत मेरे पास ये DIY हैं जो जेट प्लांट्स की टोपियारी बना करके रखी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा कि अपने YouTube फैमिली के लिए, परिवार के लिए, मैं क्यों ना इनका ये जो है प्लेलिस्ट बनाया जाए। तो मैंने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना दिया। तो इसमें प्लेलिस्ट में आज किसी मेरे व्यूअर फ्रेंड ने मैसेज किया, कहा कमेंट्स में कि आप इसमें कौन सी फर्टिलाइजर डालती हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि मैं ज़्यादा, सच अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं ज़्यादा इसमें फर्टिलाइजर कुछ भी नहीं डालती हूँ, और जो डालती भी हूँ तो हमारी प्लेलिस्ट में ऐड है, जो मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालती हूँ तो मैं फर्टिलाइजर की भी प्लेलिस्ट इसी में जेट प्लांट्स की मैं ही ऐड कर रखी, क्योंकि जो ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में मेरे यहाँ लगे हुए हैं पौधे, तो उस क्वांटिटी वाले पौधों को मैं अलग एक जो है प्लेलिस्ट बना रखी, उनका अलग फर्टिलाइजर बना करके मैं रखती हूँ। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स कि सारे फर्टिलाइजर एक ही जैसी चलती है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं ऐसे फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स जो है थोड़ा अलग से केयर मांगते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा कोई नहीं, लेकिन हाँ मैं फिर भी आप लोग को बता दे रही हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाय की पत्ती को यूज करती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको हट के कितनी सुंदर बना करके तैयार किया, और इनकी जो साइड में ये थोड़े से ये हैं निकले हुए हैं, तो इनको मैं कट भी कर दूंगी, तो यहीं से फिर से घना होने लगता है,
मतलब एक अगर टहनी आप काटेंगे तो उसी जगह से दो टहनियाँ तैयार हो जाती हैं। सबसे इसी में खासियत एक बस यही एक चीज़ होती, और इसको फ्रेंड्स अभी मैं नहीं काट रही, सोचती हूँ कुछ इसको और भी ऊपर DIY देने के लिए सोचती हूँ। अब ये जो है, जो हम लोग शॉपिंग थैला ला करते हैं कपड़े का, जो शॉपिंग थैले होते हैं ना फ्रेंड्स, वही कपड़े मैं इसमें बिछा रही हूँ। किस लिए बिछा रही हूँ फ्रेंड्स, कि अगर मैं इसमें इसी तरह से मतलब इसी में स्टोन को डाल दूंगी, जो कलरफुल स्टोन है ना ये, तो अगर इसमें ऐसे डाल देती हूँ ना तो फ्रेंड्स ये गंदे भी बहुत हो जाएंगे, और दूजे जब मेरे को निकालना पड़ेगा तो काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ेगी। जब मेरे को कोई इनमें गुड़ाई करनी होगी या मैं इनको कोई फर्टिलाइज़र डालूंगी तो तुरंत कपड़ा उठाया और निकाल लिया है ना फ्रेंड्स, तो इसमें हमको बड़ा साधारण रहता है, और इसमें पानी भी आराम से चला जाता है, इसमें हवा भी लगती इस कपड़े में, तो ये बहुत अच्छा कपड़ा होता है। और इसी में मैं जैसे ये जगह जगह में इनके होल्स करती हूँ ना नीचे, तो भी मैं यही कपड़ा बिछा देती हूँ, जो शॉपिंग थैले होते हैं वही कपड़ों को मैं बिछा देती हूँ, क्योंकि बहुत हल्के होते, पतले से बिल्कुल, और धीरे धीरे करके गल भी जाते हैं कुछ समय बाद। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें क्या किया कि अब आपको देख रहे हैं कि इसको कहीं कहीं मेरे को दिख रही, तो मैं काट भी दे रही हूँ। अब आप फ्रेंड्स कमेंट्स करके बताइएगा, मैंने देखी इसमें सावरिंग भी कर दिया, सावरिंग करने के बाद में ये फ्रेंड्स अब कितना लुक अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, मैं कितना बताऊं कि कितना अच्छा लग रहा, मेरी तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब आप लोगों को शायद अच्छा लग रहा हो या ना अच्छा लग रहा हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों को तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लग रहा हो। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी DIY ये हट DIY किस तरह से रही, जो मैंने टॉयज रख दिया है, ये भाई बहन का जैसे पढ़ाई कर रहे हों, तो मैंने इनको इस तरह से रखने के बाद में आप लोग ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और फ्रेंड्स हाँ, फिर से मैं याद दिला रही हूँ आप लोगों को, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हों और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो कर ही लें फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। ये देखिए फ्रेंड्स जैसे कि मैंने ये तरह तरह के DIY जो शिवलिंग का रूप ये दिया है मैंने, और भी बॉल शेप दिया है, तो ये देखिए फ्रेंड्स सब मैंने जेट प्लांट से ही कटिंग को मैं तैयार करती हूँ, जगह जगह मैं ऐसे तैयार करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जाइए उसमें देखिए, और मैंने उसमें ओम भी बनाया है, उसमें त्रिशूल भी बनाया है, उसमें पीकॉक भी हैं, उसमें फ्रेंड्स मैं उनकी कोई गिनती नहीं बता सकती हूँ कि मेरे पास जेट प्लांट्स की कितनी DIY हैं। तो जाइए फ्रेंड्स देखिए, और जो मैंने देखी फ्रेंड्स फाउंटेन बनाया है, ये बिल्कुल जीरो बजट से बना हुआ है, तो इसमें भी फाउंटेन का भी एक प्लेलिस्ट है, तो उसमें भी जाकर देखिए फ्रेंड्स। तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि फ्रेंड्स मेरा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स ये जब पानी इसमें एक्चुअली में क्या है कि गर्मी में पानी को कहीं ना कहीं भर के पौधों के आसपास रखें, मेरा मकसद एक यही है, तो ये पानी उड़ उड़ करके थोड़ा पौधों में मतलब ठंडक मिलती है। और दूसरे एक प्लस पॉइंट ये भी है मेरा कि जैसे पानी भर करके गर्मियों में रख जगह जगह रखते हैं तो पक्षियों के लिए बहुत काम आता है, तो फ्रेंड्स पक्षी भी हमारे यहाँ चिड़ियाँ भी आकर के पीती हैं, और जगह जगह मैं दाना भी रखती हूँ, जगह जगह मैं पानी भी रखती हूँ। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि पक्षियों को बचाने का हमारा आप सबका एक मतलब ड्यूटी है, तो पक्षियों के कोई घर नहीं होते हैं, कोई ज़मीन नहीं होती, कोई खेत नहीं होते हैं, तो फ्रेंड्स इनको ज़्यादा से ज़्यादा दाना पानी दें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर करने की कोशिश करें। जहाँ आप प्याऊ लगाते हैं फ्रेंड्स वहाँ भी रख सकते हैं, अगर कोई भी आपके घर में प्लांट्स लगा है या कोई छाया कर दीजिए ऐसी, तो वहाँ पर भी पानी रख सकते हैं और दाना रख सकते हैं, तो वहाँ चिड़ियाँ चुनेंगी और बैठेंगी फ्रेंड्स, वही आपको आशीर्वाद देंगी सभी लोगों को। तो फ्रेंड्स अपना अपना ऐसे ख्याल रखें फ्रेंड्स, गर्मी बहुत है और टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ है, तो फ्रेंड्स ऐसे ख्याल रखें और पेड़ों को विशेष ध्यान दें, प्लांट्स लगाएं फ्रेंड्स, ये हमारा आप सबका ड्यूटी है। सच बताऊं फ्रेंड्स मेरे घर में गर्मी नहीं लगती है, जितने मेरे घर में पौधे लगे हैं मेरे घर में गर्मी नाम मात्र की लगती है।